ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisect angle A as well as angle C. Show that ABCD is a square and diagonal BD bisect angle B as well as angle D. हमें given है ABCD is a rectangle. Rectangle क्या होते हैं जिसके opposite sides आपस में equal होती हैं और सारे angle 90 degree होते हैं और diagonals भी equal होती हैं. ठीक है? सो एंड साथ में हमें गिवन है कि जो उसकी एसी है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को, मतलब एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू एंड एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर. ये पूरा का पूरा हमें गिवन है. ठीक है? और हमें फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है कि ए बी सी डी इज अ स्क्वायर और डायगनल बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी. ठीक है, चलिए प्रूफ करते हैं. फर्स्ट पार्ट सबसे पहले हम करते हैं. फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, मतलब हमें इसकी दो इंटीरियर साइड्स को इक्वल प्रूफ करना है. ठीक है, तो देखो हमें गिवन है एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू एंड एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर. ये हमें गिवन है. ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई. बट एंगल वन इज इक्वल टू एंगल फोर होगा ना ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती है. ठीक है, बट एंगल वन इज इक्वल टू एंगल फोर. ठीक है, क्या हो जाएगा ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. देखो वन इज इक्वल टू टू हो गया और वन इज इक्वल टू हो गया फोर, तो बाई इन दोनों से ये दो ले लेते हैं हम, इन दोनों से हमारा क्या रिजल्ट आ गया. सो देयर फोर एंगल टू इज इक्वल टू एंगल फोर. ठीक है, इनसे हमारा रिजल्ट क्या आ गया, एंगल टू इज इक्वल टू एंगल फोर. ठीक है, अब एंगल टू और एंगल फोर जब इक्वल हो गए तो भाई ए डी इज इक्वल टू सी डी हो गई. ठीक है, therefore AD is equal to CD. क्या लिख देंगे यहाँ पे, sides opposite to equal angles angles are equal. Right? ठीक है, जब AD is equal to CD हो गया तो भाई चारों साइड इक्वल हो जाएंगी ना. AD इज इक्वल टू CD, बट AD इज इक्वल टू BC एंड CD इज इक्वल टू AB. साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल. ठीक है, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, AD is equal to CD, AD is equal to BC and CD is equal to BB, so AB, therefore AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD, right? Therefore ABCD जब चारों साइड इक्वल हो गई तो क्या बन गया ये, ABCD is a square. ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया. अब सेकेंड पार्ट में हमें क्या करना है, सेकेंड पार्ट में बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी. ठीक है, इसके लिए हमें एक और डायग्राम बना लेते हैं नीचे. सेकेंड पार्ट में जो हमें प्रूव करना है, एंगल फाइव इज इक्वल टू एंगल सिक्स एंड एंगल सेवन इज इक्वल टू एंगल एट, ये हमें प्रूव करना है सेकेंड पार्ट में. ठीक है, तो बाई प्रूफ पर आ जाते हैं. प्रूफ में हम क्या करेंगे, देखो 5 इज इक्वल टू 7 है और 6 इज इक्वल टू 8 है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8. क्या लग जाएगी यहाँ पे प्रॉपर्टी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, अब क्योंकि एबीसीडी एक स्क्वायर है, एज एबीसीडी इज अ स्क्वायर देयरफॉर
देखो 5 इज इक्वल टू 7 हो गया, 6 इज इक्वल टू 8 हो गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और क्योंकि एबीसीडी एक स्क्वायर है तो 5 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 8 एज ए बी इज इक्वल टू ए डी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, 5 इज इक्वल टू हो गया 8, ठीक है, और 6 इज इक्वल टू क्या हो गया 7 हो गया, ठीक है, एंड एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7, यहां क्या इक्वल लिख देंगे हम बी सी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है, तो देखो भाई हमारे पास इसको ले लेते हैं 1, इसको ले लेते हैं 2, इसको ले लेते हैं 3 और इसको ले लेते हैं 4। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, हमने किससे रिजल्ट निकालना है, हमने प्रूव करना है 5 इज इक्वल टू 6। ठीक है, 5 इज इक्वल टू 6 के लिए हम जो लेंगे वो हम फर्स्ट वाली लेंगे और फोर्थ वाली लेंगे। ठीक, फ्रॉम 1 एंड 4th। ठीक है, क्या रिजल्ट आ गया हमारे पास, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड फ्रॉम, अब कौन सी साइड्स लेंगे वो लेंगे हम, इक्वेशंस लेंगे जिनसे हमारे पास रिजल्ट आ जाए। क्या रिजल्ट लाना है हमें, 7 इज इक्वल टू 8। ठीक है, 7 इज इक्वल टू 8 के लिए हमने क्या लेना है, हमने लेना है दिस वन फर्स्ट एंड थर्ड ये। ठीक है, इससे हमारे रिजल्ट आ जाएंगे। तो फ्रॉम 1 एंड 3 देखो 5 इज इक्वल टू 7 है और 5 इज इक्वल टू 8 है, तो एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। इतनी बात क्लियर हो गई आप लोगों को सबको। ठीक है, 5 इज इक्वल टू 6 आ गया और एंगल 7 इज इक्वल टू 8 आ गया, सो देयरफॉर बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है बच्चों।